हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए के टेक मोबाइल में। दोस्तों, आज ही हमारे पास एक जियो का फ़ोन है F220। तो फ्रेंड, इस सेट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। ये चार्जिंग दिखाता नहीं है, लेकिन बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज पूरे प्रॉपर आते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी दोस्तों, ये मैं इसको सॉल्यूशन कर चुका हूँ। मुझे बाद में ध्यान आया कि चलो इसी टॉपिक पर आज एक वीडियो बना लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि किसी टेक्नीशियन भाई ने इसमें कनेक्टर तो लगा दिया, ये चार्जिंग कनेक्टर, और ये प्लस वाला और माइनस वाला, ये दोनों पॉइंट तो कनेक्ट कर दिए, बट क्या था कि जो इसका डीएम पॉइंट है, ये वाला, ये डीएम पॉइंट जो होता है, ये एक तो ये यहाँ से कंपोनेंट गायब था। अब इसमें मैं एक जम्पर किया हूँ, एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसमें एक जम्पर अप्लाई किया हूँ यहाँ, और यहाँ पर भी ये जम्पर नहीं था, ये मैं दूसरा लगाया हूँ इसमें एक जम्पर एक और मैं अप्लाई किया हूँ यहाँ से, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो डीएम पॉइंट है, ये वाला, ये फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक एक जम्पर और लगाया है। तो ये तो कारण हो गया हमारा चार्जिंग शो नहीं करने का सिस्टम, कि चार्जिंग हमारा जो स्विच ऑफ पर शो करता था लेकिन ऑन पर शो नहीं करता था। ये तो सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है कि यदि किसी वजह से हमारे फ़ोन की चार्जिंग नहीं चले, बिल्कुल ना चले, तब और बैटरी कनेक्टर पर भी कोई सप्लाई नहीं आए, लेकिन सेट ऑन हो रहा है और सप्लाई नहीं आ रही, तो इसमें क्या फॉल्ट और भी क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हमारा डायोड है, अब इस डायोड पर चेक करेंगे, अगर यहाँ हमें 5.5 वोल्ट के आसपास रीडिंग मिल रही है, हॉट टेस्टिंग पर चेक करेंगे 20 वोल्ट की रेंज में रख करके, अगर यहाँ पर 5.5 वोल्ट सप्लाई मिल रही है तो फिर यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर भी अगर हमें मिल रही है तो ठीक है, और यहाँ से आगे चलेंगे। ये क्वाइल लगी हुई है एक हमारी, किसी वजह से ये क्वाइल कट जाती है या ओपन हो जाती है, तो हमारा ट्रैक मिस होने के कारण भी चार्जिंग रुक सकती है। तो हमें क्या करना है कि यदि यहाँ से ट्रैक कट जाए तो एक जम्पर यहाँ कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यदि यहाँ पर भी मिल रही है और यहाँ पर भी मिल रही है लेकिन यहाँ नहीं मिल रही, इसी के ये इस आईसी के ऊपर जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है एक ब्राउन कलर का, यदि यहाँ भी सप्लाई मिल रही है या यहाँ सप्लाई नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि हमारी OBP IC खराब हो सकता है कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो। तो हमें मीटर से कोल्ड टेस्टिंग पर चेक कर लेना है कि कोई हमारा ये कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर या ये IC OBP IC, ये OBP IC होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC, इसके शॉर्ट होने से, खराब होने से भी ये दिक्कत आ सकती है वोल्टेज ना मिलने की। तो हमने क्या करना है, यहाँ चेक करना है कोल्ड टेस्टिंग पर बजर मोड पर रख करके, अगर यहाँ बीप मिल रहा है, यहाँ पे भी बीप मिल रहा है, यहाँ पे भी, तो मान लीजिए यहाँ कोई शॉर्ट है, या तो ये शॉर्ट है या ये शॉर्ट है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है और तब भी नहीं मिल रहा, तो हो सकता है यहाँ वोल्टेज है यहाँ नहीं है, तो हो सकता है कि ये OBP IC खराब हो, तो हमें OBP IC चेंज करनी पड़ेगी। यदि आप चेंज ना करनी चाहें तो एक सीधा यहाँ से लेकर यहाँ पर एक जम्पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई यहाँ तक की, अब दोस्तों यहाँ के बाद ये जो सप्लाई है हमारी चार्जिंग की बी बस की, ये कहाँ जाती है, तो ये जाती है हमारी पावर आईसी पे। अब पावर आईसी हमारी कहाँ लगी हुई है, पावर आईसी हमारी यहाँ इस टीने के नीचे लगी हुई है, ये देखिए ये 220 मॉडल है। अभी हम क्या करेंगे, इस टीने को यहाँ से उतार लेंगे, ये टीना हमने उतार लिया, ये देखिए फ्रेंड्स। अब बहुत काम की बात बताने वाला हूँ दोस्तों, इसमें आप 3 से 4 फोल्ट का सोल्यूशन बड़ी आसानी से कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। ये देखिए, अभी थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे और समझ में भी आए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये IC लगी हुई है PM8909, यानी कि PM8909, ये IC का नंबर है, इसमें कॉलकॉम की ये IC है PM8909। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हमारी जो सप्लाई है, जो चार्जिंग की इन सप्लाई होती है हमारी, वो कहाँ पे इन होती है, इस कंपोनेंट पे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये वाला यहाँ और यहाँ,
इन कंपोनेंट पे हमारी बी बस की लाइन, ये तो यहाँ आता है हमारा डीपी पॉइंट और ये आता है हमारा बीसीएच इन चार्जिंग का इन पॉइंट। ये एक बार हम मीटर से चेक करेंगे इसको, एक बार मीटर से चेक करके देख लेते हैं। देखिए क्योंकि कोई भी गलती या कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ये हमारी सप्लाई यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां से और चार्जिंग के इस पॉइंट तक, चार्जिंग आईसी के इस पॉइंट तक इस कंपोनेंट पे आती है। अब ये तो बात हो गई इन सप्लाई की, हमारी जो सप्लाई हो रही है इन कहां से हो रही है, इस कंपोनेंट से। आप चाहें तो इस टीने को यहां से काट भी सकते हैं यदि आपके में शॉर्टिंग वगैरह है या आपको यदि कोई और काम करना है तब, लेकिन ये मेरा सही है यहां तक, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूं। यदि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत आए ऐसी तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यदि यहां तक वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप वहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से ओवीपी आईसी के ऊपर वाले पॉइंट से लेकर इस साइड से लेफ्ट साइड से यहां से लेकर और इस आईसी के नीचे जो पॉइंट है ये फर्स्ट वाला, इसके लेफ्ट पॉइंट पे जम्पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि फिर भी ना आए यहां पर सप्लाई आ जाए यहां सब, अब मान लीजिए यहां तक सप्लाई आ रही है लेकिन चार्जिंग नहीं कर रहा है या हमारे बैटरी कनेक्टर पे जो है सप्लाई नहीं आ रही है, तो तब क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो कंपोनेंट है वो ये बैटरी का बी वैट का जो सप्लाई का पॉइंट है हमारा, तो वो यहां होना चाहिए, यहां पर ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जो बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई आ रही है हमारी, तो देखिए दोस्तों इस आईसी से यहां आ रही है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। अब यहां से इस कॉइल में गई, इस कॉइल से इधर आई, इधर से फिर यहां आई, यहां आई, फिर इसके बाद इस कैपेसिटर पे आई यहां। ओके फ्रेंड्स, फिर यहां से सीधे बैटरी कनेक्टर पे यहां पर पे यहां आकर इस पॉइंट से और ये यहां पर आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो होगी हमारी चार्जिंग की बात, यहां पे पूरे वोल्टेज आने लगेंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या करना है, यहां तक इन करना है जो चार्जिंग की सप्लाई आती है हमारी, जो 5.5 वोल्ट सप्लाई आती है वो यहां पे आती है और यहां से इस आईसी से निकल के यहां से आउटपुट होती है। ओके फ्रेंड्स, इस कंपोनेंट पे उसके बाद यहां आती है, उसके बाद यहां आती है। ओके फ्रेंड्स, यहां यहां और यहां यहां और यहां, उसके बाद सीधे बैटरी कनेक्टर पे। ओके फ्रेंड्स, अब यही एक दिक्कत और आती है किसी के, मान लीजिए अगर यदि अगर हमारा स्पीकर काम नहीं कर रहा है, हमारा स्पीकर अगर काम ना करे, रिंगर काम ना करे, तब क्या करेंगे? तो रिंगर के लिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये दो बड़े बड़े कॉइल लगे हुए हैं यहाँ मीटर के पॉइंट से लेकर के और यहां तक, जहां मीटर जहां स्पीकर का पॉइंट है वहां से लेकर यहां तक रीडिंग चेक करेंगे दोनों कंपोनेंटों पे और दोनों लाइन पे। यदि यहां से यहां तक की बीप आ रही है, लाइन ओके है, तो फिर यहां चेक करेंगे, यहां भी देखेंगे कि बीप आ रही है या नहीं। यदि बीप आ रही है लेकिन स्पीकर तब भी काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि ये कॉइल हमारी खराब हो। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है कि यहां हमें वोल्टेज ना मिल रहा हो, ये यहां पर 3.5 वोल्ट सप्लाई होनी चाहिए, ये हमारी रिंगर आईसी है, हो सकता है हमारी रिंगर आईसी खराब हो, तो हम इसको चेंज करके देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस आईसी की वजह से ही फॉल्ट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, यदि आईसी हमारी खराब है तब भी हमारा रिंगर नहीं बोलेगा। अब एक दिक्कत आती है, फिर दूसरा एक लाइन आती है हमारी माइक की, ये बहुत
अहम जानकारी है दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमारा माइक है, ये देखिए यहाँ पर माइक भी नहीं है इसमें लगा हुआ शायद। मैं एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ। अब प्रॉब्लम आती है हमारी माइक की, ये देखिए तुम, ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये ग्राउंड तो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, और ये इस पॉइंट पर तो कोई रीडिंग होती ही नहीं है, लेकिन ये नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ रीडिंग हमें मिलनी चाहिए। अब इसमें क्या, किसी ने ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, शायद यहाँ टू पिन का माइक लगा हुआ होगा पहले, लेकिन वो अब नहीं है, हो सकता है इस जैक, इस कनेक्टर को लगाने वाले व्यक्ति ने हटा दिया हो। तो क्या होता है कि इसमें यहाँ और यहाँ ये प्लस पॉइंट हो गया इसका, ये माइनस पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे एक माइक लगा होगा टू पिन। ये क्या, ये 4.5 किलो ओम से लेके 3.5 किलो ओम से लेके 7.5 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 4 पॉइंट का माइक भी हम यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए यहाँ से, यदि मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें कोई वैल्यू ना मिले तब कोल टेस्टिंग पे, तब हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट की जो सप्लाई है, इस पॉइंट की सप्लाई इसकी, यहाँ हम चलेंगे पीछे, ये चल, ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए, ये कंपोनेंट उखड़ा हुआ है, इसलिए माइक इसमें वर्क नहीं कर रहा, ये कंपोनेंट उखड़ा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला, अब इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे सही तरीके से, और इसको फिर चला देंगे माइक को, ये हमारा माइक प्रॉपर वर्क करने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब मान लीजिए यदि ये जो सप्लाई है हमारी, ये यहाँ पे यदि हमें कोई वैल्यू ना मिले, यहाँ यदि कोई वैल्यू ना मिले, तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के और एक सीधे यहाँ पर, यहाँ पर एक जम्पर लगा देंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस, एक ये लगा हुआ है डायोड, एक ये लगा हुआ है यहाँ, एक यहाँ पर भी हम कर सकते हैं जम्पर, वहां से लेकर के यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम एक जम्पर कर देंगे, तो हमारा माइक काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जय हिंद दोस्तों, बार बार आते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे, रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। एक बात और अंत में बोलनी चाहूँगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तूफानों से घबराकर कभी नौका पार नहीं होती। तो दोस्तों, जो तूफान जीवन में आते हैं उनसे घबराते हैं, घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए हमेशा सेम रखना चाहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखें दोस्तों, माता पिता जैसी चीज़ जीवन में किसी को दोबारा नहीं मिलती। तो और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, जैसी भी लगी हो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, बार बार आते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।